राजस्थान में एक बार फिर से भारी बारिश देखने को मिल रही है। इसके चलते ही 19 सितंबर को भरतपुर और जयपुर समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं बीकानेर, कोटा और उदयपुर में हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में आज और कल बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून का अब आखिरी दौर चल रहा है, इसके बाद बारिश नहीं होगी और मौसम साफ हो जाएगा। 19 सितंबर को कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश के इस आखिर दौर के बाद मानसून की विदाई हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है, जिससे आगामी 24 घंटों में पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने और कमजोर होकर डिप्रेशन हो सकती है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान में 18-19 सितंबर को कई इलाकों में बारिश हो सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पद ग्रहण करने के बाद संगठन में बदलाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। राठौर ने करौली जिला अध्यक्ष को बदलते हुए शिव कुमार सैनी को करौली का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले करौली जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया ने हाल ही में अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शिव कुमार सैनी को करौली की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा बीजेपी कार्यालय में भवानी शंकर शर्मा और रजनीश चचन को कार्यालय से प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। इस बदलाव के बाद जब मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अभी कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कोई टायर पंचर हो जाए तो स्टेपनी लगानी पड़ती है, यह तो करना ही पड़ेगा, वही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं पर लगेगा कि कल पुर्जों में आवाज आ रही है तो उसको भी ठीक करना पड़ता है, उसको टाइट करें जिससे आवाज नहीं आए, कहीं कुछ चेंज करना पड़े तो वह भी करना ही है, लेकिन अभी कोई बड़ा बदलाव हो ऐसा नहीं है। हालांकि हमारे ऊपर न कोई प्रतिबंध में नहीं है और न ही कुछ छूट है। जरूरत है तो बदलाव करेंगे, जरूरत नहीं तो अभी नहीं करेंगे। अभी कुछ समय इन्हीं से काम चलाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद नए सिरे से काम होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मदन राठौड़ अपनी नई टीम का गठन करेंगे, लेकिन फिलहाल आगामी 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ा फेरबदल नहीं किया जाएगा। उपचुनाव के बाद मदन राठौड़ अपनी नई टीम के साथ संगठन के लिए काम करेंगे। कहते हैं, बात कहने का तरीका प्रभावी हो तो झूठ भी सच बन जाता है। संवाद का तरीका जितना प्रभावी होगा, दिल की बात उतनी ही दिल में उतर जाती है। नेता जब भाषण देते हैं तो उसमें कुछ शब्द, कुछ नारे ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो सालों तक लोगों को याद रहते हैं। आप कौन सा वाक्य कहां और किसके लिए बोल रहे हैं, इसका शूर हो तो आप एक भिड्डच को दीवाना बना सकते हैं। ऐसे ही राजस्थान के एक नेता हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जिनके फटकारे लोगों को बांधते हैं। डोटासरा इतिहास के संदर्भों से शब्द लेते हैं और उन्हें ऐसे प्रस्तुत करते हैं जिससे न सिर्फ ठहाके गूंजते हैं बल्कि उनका राजनीतिक संदेश भी पहुंच जाता है। आइए उनके 10 फटकारों के बारे में बात करते हैं जो डोटासरा के नाम का पर्याय बन चुके हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा इलाके में एक पैंथर ने एक छात्रा को मार डाला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मृतक छात्रा कमला गमेती गोगुंदा के उंडीथल गांव की रहने वाली थी। नवीन कक्षा में पढ़ने वाली कमला बुधवार को खेतों में बकरियां चराने गई थी। देर शाम जब वह लौट रही थी तो खेतों के किनारे छिपकर बैठे पैंथर ने उस पर हमला कर दिया। पैंथर उसे खींचता हुआ जंगलों की ओर ले गया। लड़की के घर नहीं लौटने पर कमला के घर वालों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और देर रात तक उसे खोजते रहे। आज सुबह गुरुवार को जंगल में लड़की का खून से लथपथ शव मिला। कमला को खोज रहे ग्रामीणों को उसका शव घने जंगल की झाड़ियों में मिला। शव देखकर उनका दिल दहल गया, क्योंकि पैंथर ने लड़की के दोनों हाथ खा लिए थे। इसके बाद आसपास के सारे लोग पैंथर को लेकर भयभीत हो गए। सूचना मिलते ही गांव के सरपंच गणेश लाल खैर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। सरपंच ने इसके बाद गोगुंदा पुलिस और वन विभाग को घटना की जानकारी दी। उदयपुर में इस महीने झाड़ोल कस्बे में भी एक पैंथर ने हमला कर एक महिला को मार डाला था। झाड़ोल के धिकालिया गांव में 8 सितंबर की सुबह मीराबाई अहारी नाम की 40 साल की महिला लकड़ियां जुटा रही थी। उसी समय एक पैंथर ने उस पर हमला कर दिया और उसे खींचते हुए जंगल में ले गया। बाद में तलाश के बाद घने जंगल में महिला की लाश मिली। इस घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने 6 घंटे के लिए नेशनल हाईवे 58 को जाम कर दिया था।
पायलट 18 और 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर रहे। जम्मू कश्मीर के अपने चुनावी कार्यक्रम के दौरान पायलट ने 18 सितंबर को सुरनकोट थाना मंडी जम्मू दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों और 19 सितंबर को राजौरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार के दौरान आयोजित चुनावी सभाओं में पायलट ने कहा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए ऐसा क्या काम किया जिसके नाम पर आज जनता से वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि अपनी बैसाखियों की सरकार को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए एक दो राज्यों में बांट दिए और जिनमें जरूरत थी, जिनसे भाजपा ने वादे किए थे, वहां कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं देश की जनता को जिसने भाजपा की नकारात्मक सोच और घमंड का जवाब देते हुए लोकसभा चुनावों को भाजपा को बहुमत पार नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को डराकर और भय का वातावरण पैदा कर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि भाजपा की भय पक्षपात और भाई से भाई को लड़ाने की द्वेष की राजनीति का पुरजोर जवाब देते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। सचिन पायलट ने कहा, मैंने पिछले दो दिनों से यहां बैठकें की है। माहौल और कार्यकर्ताओं की ताकत को देखते हुए मुझे लगता है कि जब अच्छे बहुमत के साथ नतीजे आएंगे तो गठबंधन की सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि चुनावों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की भाजपा की कोशिशें विफल होंगी, और अगर भाजपा इतनी ही उत्सुक थी तो उसने लोकसभा चुनाव में एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। वे केवल हस्तक्षेप करने और वोटों को बिखेरने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वे जीतने की स्थिति में नहीं है और यहां गठबंधन बहुत मजबूत है। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम पर भरोसा है। अलवर के सदर थाना अंतर्गत किथुर ग्राम में ट्यूबवेल पर पानी लेने गए किसान की 11,000 केवी का करंट लगने से मौत हो गई। किसान खेत में बाजरा निकलवा रहा था और मजदूरों के लिए ट्यूबवेल से पानी लेने के लिए गया था, जहां विद्युत लाइन में पहले से हो रखे फॉल्ट के कारण लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप झुलस गया। परिवार वाले और अन्य सहयोगी उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि बिजली की 11,000 केवी की लाइन वहीं पास से जा रही थी और उसका खुला हुआ तार ट्यूबवेल के पास ही पडीडी डीजा था, जिसकी चपेट में आकर किसान के साथ यह हादसा हो गया। किसान के भतीजे देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मृतक अमर सिंह यादव कल दोपहर किथुर स्थित खेत में बाजरा निकलवा रहे थे, तभी वह खेत के पास में ही लग रहे ट्यूबवेल पर पानी लेने गए, जहां पहले से ही विद्युत लाइन में फॉल्ट आया हुआ था जिससे करंट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। परिजनों एवं अन्य लोगों ने किसान को लकड़ी की मदद से तार से अलग किया और तुरंत जिला अस्पताल के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित करने के बाद किसान के शव का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जिले के नैनवा थाना क्षेत्र के जजावर गांव में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले प्रिंसिपल को नैनवा थाना पुलिस ने बूंदी पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने प्रिंसिपल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 25,000 रुपये जुर्माना और 25,000 के मुचलके पर जमानत देते हुए नैनवा थाना SHO को भी फटकार लगाई। आरोपी के वकील की ओर से कोर्ट में धारा 365(3) के नोटिस की पालना नहीं करने को लेकर बहस की गई, जिसे कोर्ट ने गंभीर माना। इसके साथ ही नए कानून के अनुसार 7 साल के अंदर वाली सजा में गिरफ्तार नहीं करने का हवाला भी कोर्ट में दिया गया, जिस पर कोर्ट ने प्रिंसिपल को जमानत दी है। आरोपी के वकील देवराज गोचर ने बताया कि नैनवा थाना पुलिस ने प्रिंसिपल को पॉक्सो कोर्ट में छेड़छाड़ की धाराओं के तहत पेश किया, साथ ही नैनवा थाना पुलिस द्वारा बिना नोटिस दिए ही उसे गिरफ्तार किया गया, जो कि नियम विरुद्ध था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार 7 साल के अंदर आने वाली सजा में आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके लिए पहले कोर्ट में चालान पेश करना होता है और मामले में कोर्ट में ट्रायल चलता है। इधर मामला शिक्षा मंत्री तक पहुंचने के बाद जयपुर से आई टीम ने छात्रा से बातचीत कर स्कूल का दौरा किया और प्रथम दृष्टया मामला सही पाए जाने पर प्रिंसिपल को निलंबित किए जाने की सिफारिश की, जिस पर शिक्षा विभाग ने अब प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। 16 सितंबर को बूंदी जिले के जजावर गांव की सरकारी बालिका विद्यालय में प्रतियोगिता के दौरान छात्रा से अश्लील बात और छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर हंगामा हो गया। सूचना पर नैनवा थाना अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने मौके पर पहुंचकर मामले में संज्ञान लिया। उक्त मामले को लेकर पीड़िता के भाई ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया था कि मेरी बहन के साथ विद्यालय प्रिंसिपल ने कार्यालय में बुलाकर उससे छेड़छाड़ की है।